हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं तो सनस्क्रीन, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। एंड ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है फ्रेंड्स, बिल्कुल नेचुरल है, किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इसमें नहीं है। अगर आप लोग ऐसी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं जो कि आप लोगों के स्किन को सूट हो, या फिर एक्ने या पिंपल्स वाली स्किन है, तो भी वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये दोनों ही सनस्क्रीन जो है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। आपका स्वागत है एनएसटी। आज की जो सनस्क्रीन है हमारी दोनों, वो दोनों आप लोगों को ज़रूर पसंद आने वाली है। दोनों ही सनस्क्रीन को मैंने यूज़ किया है, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो ये है हमारा वो प्रोडक्ट, और ये वाला जो सनस्क्रीन है ये है अशोक का, एंड ये वाला जो सनस्क्रीन है हमारा वो है अरोमा मैजिक का। तो ये वाला जो सनस्क्रीन है फ्रेंड्स हमारा, ये है अशोर नेचुरल का सनस्क्रीन, SPF 40 प्लस के साथ में मिलता है ये वाला हम लोगों को। एंड जो ये अरोमा मैजिक का है, ये फ्रेंड्स एलोवेरा सनस्क्रीन जेल, जो कि SPF 20 के साथ में हम लोगों को मिलता है। तो दोनों ही प्रोडक्ट जो है बेस्ट है, मैंने यूज़ किए हैं, और किस तरह से कौन कौन सी स्किन वालों को वाले जो सनस्क्रीन है सूट होगी वो आगे वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सनस्क्रीन लगाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप लोग सनस्क्रीन अभी तक यूज़ नहीं करते हैं तो सनस्क्रीन लगाना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन नहीं लगाने से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। पहले तो 12 महीने हम लोगों को सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, एंड गर्मियों के दिनों में तो और ज़्यादा। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग घर पर हैं तो हम लोगों को सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि घर में भी जो है सनलाइट है वो आता है, और साथ ही हम दिन भर जो मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवी, ये सारे स्किन के सामने होते हैं, तो इनसे भी बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं जो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। तो घर पे भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग कम SPF वाला सनस्क्रीन जो है वो घर पर यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को क्रीम बेस पसंद नहीं है तो आप लोग जेल बेस सनस्क्रीन यूज़ कर। सनस्क्रीन नहीं लगाने की वजह से हमारे स्किन में जो है सनबर्न हो जाता है, और स्किन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, और साथ ही फ्रेंड्स स्किन में पिगमेंटेशन होने लगता है, स्किन रेडनेस होने लगती है, एंड बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स सनस्क्रीन नहीं लगाने की वजह से हमारी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग सनस्क्रीन जरूर लगाया करो। और साथ में सनस्क्रीन जब भी आप लोग लगाते हैं डेली, अगर घर से बाहर भी है फिर भी कोशिश किया करो कि सनस्क्रीन 3 से 4 घंटों बाद फिर से रीअप्लाई कर लिया जाए। क्योंकि चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो मेरे पास ये जो पहला सनस्क्रीन है ये है अरोमा मैजिक का एलोवेरा सनस्क्रीन जेल, और ये जेल फॉर्म में है फ्रेंड्स ये सनस्क्रीन। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका SPF है 20, और इसे आप लोग डेली घर पर यूज़ कर सकते हैं। तो जेल बेस है तो बहुत ही आसान हो जाता है इसे यूज़ करना। और ये जो सनस्क्रीन है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को काम आएगी ऑयली स्किन एंड नॉर्मल स्किन वालों के लिए, साथ ही स्किन में अगर पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम है तो भी आप इस सनस्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका SPF जैसे कि मैंने 20 आप लोगों को बताया है, तो इसे बाहर भी लगा कर जा सकते हैं आप लोग, बाकी इसे 2 से 3 घंटे में रीअप्लाई कर लीजिएगा, एंड घर पर भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो एलोवेरा जो है इसमें उसके बेनिफिट्स है, एलोवेरा के प्रॉपर्टीज़ जो आप लोग जानते ही है कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज एंड नरिश रखने के लिए, स्किन के कलर को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो इसका जो इन्ग्रीडियंट है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वैसे भी मैं ज़्यादातर एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ डेली अपनी स्किन केयर रूटीन में, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सनस्क्रीन। एंड इसका टेक्सचर भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बिल्कुल जेल बेस है और बहुत ही अच्छा है, ये देखिए आप लोग। तो इस तरह का जो ये जेल बेस की सनस्क्रीन है ये फ्रेंड्स, ये देखिए, और इसे बहुत अच्छी तरह से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, आप लोगों को किसी भी तरह का ऑयलनेस नज़र नहीं आएगा। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला जो सनस्क्रीन है। और ये वाली जो सनस्क्रीन है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को अगर सेंसिटिव स्किन है आप लोगों की तो भी आप लोगों की ये सूट कर सकती है, क्योंकि एलोवेरा है और जेल फॉर्म में है। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं इसकी प्राइस की और क्वांटिटी की। तो ये जो सनस्क्रीन है वो है 100 ml की, और इसका प्राइस है फ्रेंड्स 325 रुपये का। तो और ये काफ़ी टाइम आप लोगों को चल जाएगी, 100 ग्राम है, और इसका छोटा जो पैक आता है 50 ग्राम का वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो दूसरी जो सनस्क्रीन है फ्रेंड्स ये भी बहुत ही अच्छी है, और ये है अशोर नेचुरल की सनस्क्रीन SPF 40 प्लस, और इसे भी मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है फ्रेंड्स। और ये जो सनस्क्रीन के इन्ग्रीडियंट्स है फ्रेंड्स वो है मार्शमेलो एंड ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट, और 75 ग्राम की जो ये सनस्क्रीन है फ्रेंड्स। और ये जो सनस्क्रीन है फ्रेंड्स आप लोगों को क्रीम बेस मिलेगी, और ये भी लगाने में बहुत ही अच्छी होती है स्किन में, जैसे आप लोगों के स्किन में बहुत ही हल्का सा कोई भी डे क्रीम वगैरह आप लोग लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये आप लोगों के स्किन पे दिखती है। सभी स्किन टाइप है, आप लोग सभी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं इसे, क्योंकि पूरी तरह से ये नेचुरल है। इसमें यहाँ पीछे मेंशन भी किया गया है कि नो पैराबिन है, नो सल्फेट है, पीटा सर्टिफाइड है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सभी स्किन वाले इसे
यूज कर सकते हैं। और इसका टेक्सचर वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है ये क्रीम बेस है, इस तरह की क्रीम बेस में है ये। और इसे जब आप लोग लगाते हैं तो फेस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा लाइटिंग कर देता है आपके फेस को, ये देखिए। और काफ़ी अच्छा है ये भी, मुझे जो सनस्क्रीन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। और ये वाली जो सनस्क्रीन है फ्रेंड्स, ये है 75 ग्राम की, और इसका प्राइस जो है फ्रेंड्स वो 510 रुपये है। बाकी क्रीम जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं डेली ये दोनों ही सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, और दोनों सनस्क्रीन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप लोगों को भी पसंद आएगी। एंड पैकेजिंग वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और दोनों ही जो सनस्क्रीन है वो ये क्रीम बेस है, ये जेल बेस है, एंड दोनों को आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है दोनों ही। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।